इसराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम योजना को इजरायल के साथ डिस्कस करके किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लेबनान में 21 दिनों के लिए लड़ाई रोकने का संयुक्त आह्वान किया था। संघर्ष विराम की अपील इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की ओर से बुधवार को सैनिकों से हिजबुल्ला के खिलाफ संभावित जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहने के कुछ घंटों बाद आई थी। गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसके बजाय सेना को हिजबुल्ला के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया है। इजरायल की इस प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि सीजफायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजरायल के साथ बातचीत की गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने मीडिया से कहा, यह बयान वास्तव में इजरायली पक्ष के साथ समन्वित था। इजरायल के एक अखबार ने राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनके करीबी सहयोगी सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को बुधवार को सीजफायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई और दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी। लेकिन मीडिया ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए गुरुवार को न्यूयॉर्क जाते समय नेतन्याहू ने अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद अपना रुख बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 शीर्ष मंत्रियों ने गुरुवार को सीजफायर के प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया था। इन सबके बीच इसराइल ने हिजबुल्ला के एरियल कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने का दावा किया है। इसराइली रक्षा बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हत्या बेरूत में एक सटीक IAF हमले में हिजबुल्ला के एरियल कमांड के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया गया। IDF ने आगे लिखा है कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। बेरूत के दक्षिण में मौजूद दाहिने इलाके की एक बिल्डिंग में सरूर छिपा था। ये लेबनानी आतंकी संगठन का मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 और हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं, कई जख्मी हैं। फाइटर जेट्स ने 3 मिसाइलों से इस इमारत पर निशाना साधा। सरूर ने इजरायली इलाके में पिछले कुछ सालों में कई ड्रोन अटैक करवाए थे। वो ड्रोन प्रोजेक्ट का लीडर था। उसने कई ड्रोन प्रोडक्शन साइट खुलवाई थी। इन साइट्स को उसने रिहायशी इलाकों के बीच बना रखा था। सरूर ने 1980 में हिजबुल्ला को ज्वाइन किया था। आतंकी संगठन में कई पदों पर रहने के बाद इसे अजीज यूनिट का कमांडर बनाया गया। साथ ही ये राडवान फोर्स की सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट का भी इंचार्ज था। इसके अलावा सरूर को यमन के हूती विद्रोहियों के साथ तालमेल बनाने का काम भी सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।